हाय फ्रेंड, आज है संडे तो आज हमारे थोड़ा एसी का प्रॉब्लम आ गया था। मैं आपको दिखाता हूँ, एसी थोड़ा जाली काट दिया था तो फ्रेंड आप देख सकते हो यहाँ से जाली को रिपेयरिंग किया मैंने। एसी की आगे फ्रंट वाली ग्रिल है, यहाँ से ये चूहे वगैरह ने काट डाली थी तो यहाँ से पूरा अंदर एसी को मैंने खोल दिया है। आप देख सकते हो फ्रेंड, तो अभी मैं ऊपर देख रहा हूँ, जाके देखूँ कितना नुकसान किया है चूहे वगैरह ने। यहाँ पे कबूतर वगैरह भी आके, तो अभी ये देखो अंदर से निकला। तो ग्रिल तो मैंने पहले खोल दी थी, अभी आपको दिखाता हूँ अंदर कचरा। ये देखो, ये फ्रेंड आप देख सकते हो एसी दो दिन से चल रहा नहीं है, ये फैन जाम हो गया था। तो अभी मैं इसकी साफ सफाई कर रहा हूँ, साफ सफाई करके वापस वो ग्रिल को मैं लगाता हूँ। ये फैन देखिए आप, यहाँ आगे से जाली काट दी थी तो यहाँ से फिर अंदर घुस के सब, ये देखिए फैन। फैन आप देखिए, ये सब कचरा अंदर डाल दिया था तो एसी कहाँ से चालू होगी। अभी तो और बहुत है। ये देखिए अभी इसको मशीन से साफ करना पड़ेगा, तब जाके क्लीन होगा। फ्रेंड ये वैक्यूम मशीन लाई थी साफ करने के लिए, यहाँ पे वायरिंग शॉर्ट हो गई तो काम और बढ़ गया थोड़ा सा। अभी इसको भी रिपेयरिंग करना पड़ेगा, क्या करें। तो फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता था, ये जो यहाँ से ग्रिल जो काट के यहाँ अंदर घुस रहे थे चूहे वगैरह, तो अभी मैंने इसका जुगाड़ ये कर दिया है। आप देख सकते हो ये जाली है, ये जाली को मैंने आगे से आगे लगा दिया है। यहाँ से हवा तो आराम से बाहर पंखे की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बट मैंने जो ये आगे का जुगाड़ किया है वो काफ़ी बढ़िया है। ये लोखंड की जो जाली आती है ये काट के अंदर जाएंगे नहीं, और मजबूत हो गई है, आप देख सकती हो फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, अभी मैं इसको लगाता हूँ और बताता हूँ आपको और कोई दिक्कत आने वाली है या फिर लग जाएगी। क्योंकि यहाँ जो जो मैंने यहाँ से वायर जॉइंट मारे हैं ये आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने सब ये जॉइंट को दबा दिया है क्योंकि ऊपर भी फिटिंग बराबर आएगी, और बीच में मैंने ये और जॉइंट मार दिया है। ये आपको दिखाता हूँ इस साइड से, ये देखिए। तो अभी ये जाली कोई काट के अंदर भी नहीं जा सकेगा और मजबूत भी हो गई है। बाद का वीडियो होगा अपने ये वेन्यू गाड़ी में एलईडी आज मैंने लाई है, तो वो एलईडी आज लगाने की है और वायरिंग भी करने की है। आप देख सकते हो ये वाली एलईडी कल मैंने लाई है और ये मुझे बहुत ही सस्ती मिल गई है, तो आज इसको फिटिंग करूँगा मैं।
और इंस्टॉलेशन का वीडियो भी आपको दिखाऊंगा। मेरे भी फ्रेंड पहले मेरे भी एसी यहाँ लगी हुई थी तो यहाँ पे बहुत नुकसान कर दे, रोज की दिक्कत होती थी, रात को सोने के समय पंखा घूमना बंद हो जाता था तो गर्म हवा आने लगती थी। फिर मैंने एसी को यहाँ पे इंस्टॉलेशन करवाया। और ये सब प्रॉब्लम होती है, ये यहाँ पे नीम का झाड़ है तो यहाँ पे गिलोरी वगैरह बहुत आती है, तो ये सीधी यहाँ पे बाईपास होके यहाँ होके यहाँ सीधी आ जाती है। लाओ वैक्यूम मशीन, लाओ वो लाओ मशीन, ब्लोअर, ब्लोअर। इससे मैं थोड़ा इसको साफ, बहुत धुआं निकल रहा है, मिट्टी बहुत निकल रही है। बहुत मिट्टी है फ्रेंड, आप देख सकते हो एकदम क्लियर हो गया है अंदर से। और ये जो पीछे जो कोयल है, वे कोयल में से बहुत मतलब मिट्टी निकली है, ये जो पीछे कोयल है उसके पीछे से इसको बहुत अच्छे तरीके से साफ किया है। चल गया तो फ्रेंड, दो दिन से तो एकदम जाम हो गया था, तो अभी आप देख सकते हो फैन चालू हो गया है तो ठंडी हवा भी आ जाएगी। लगभग आई ठंडी हवा, एकदम ठंडी। हाँ तो हो गया अपना फैन, आप देख सकते हो अभी मैंने जाली को पूरा रिपेयरिंग कर दिया है। और ये आगे से, ये पीछे से, ये आगे से बंद। तो फ्रेन आप देख सकते हो ये जो मैंने जाली लगाई है आगे, वो बराबर परफेक्ट फिटिंग के साथ लगाई है। अभी इसके अंदर ये लोखंड की जाली को काट के अंदर नहीं घुस सकते है। चलेगा वो लावन बॉयज, हाँ तो आप देख सकते हो परफेक्ट फिटिंग के साथ हो गया है। तो फ्रेन आप देख सकते हो हमारी एसी को एकदम कवर से ढक दिया है बढ़िया जाली से। कंडेंसर जो बाहर रहता है तो बहुत तकलीफ रहती है, बाकी जो अंदर रहता है तो अपने साफ सफाई भी हो जाती है। बाकी ये बाहर देख सकते हो कितना बड़ा ये टेबल लाया है, तब जाके एसी तक पहुँचे। तो फ्रेंड ये काम तो अभी हमारा हो गया फिनिश। अभी एक तो ये मशीन बिगड़ गई है, ब्लोअर बिगड़ गया यहाँ से, आप देख सकते हो ये, तो इसको सही करना है, फिर बाद में एलईडी लगाई जाएगी कार में। आज संडे है तो संडे को क्या हमारा छुट्टी रहता है तो हम थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो फ्रेंड हमारी एसी हो गई है अभी एकदम रिपेयर, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही है और दो घंटे की मेहनत लगी और अभी आराम से देख ये ठंडी हवा खा रहे हैं। तो वीडियो को करते हैं फ्रेंड एंड, और अभी इसके बाद में मैंने जो कि आपको बताया है कि एक तो मशीन रिपेयरिंग करनी है, एक गाड़ी में एलईडी डालनी है। बाय।